हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में, ऐसा कोई भी नंबर जिसका एंड 5 से हो रहा है उसका स्क्वायर निकालने में बहुत मदद करेगा। इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से आप 1 सेकेंड के अंदर उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो जानना है वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे हमें 45 का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब क्या है 45 × 45। तो हमें करना क्या है, हमें हमेशा लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे जो डिजिट है उसको 1 बढ़ा करके इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 है तो 4 कितना हो जाएगा, 1 बढ़ाएंगे तो 5 × 4 कितना होता है 20। ये है आंसर, 45 स्क्वायर कितना होता है 2025। चलिए निकालना 35 स्क्वायर। सो 35 स्क्वायर 35 × 35 तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25 एंड 3 विल बिकम 4। सो 4 × 3 = कितना होता है 12, तो 1225। ठीक है, अब देखिए इतना लिखने का ज़रूरत है क्या? नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ये लास्ट डिजिट हमेशा 25 होगा। बस हमें ये देखना है और इसको 1 ऊपर इंक्रीज करके और उसको मल्टीप्लाई कर देना है बस। जैसे 15 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 बढ़ाएंगे तो 2 × 1 कितना होता है 2। सो 2 = 25। 25 स्क्वायर, सो 2 कितना हो जाएगा 3, 3 × 2 कितना होता है 6। सो 6 × 25। 55 स्क्वायर, सो 5 × 5 = कितना होता है 30। सो 30 × 25। 65 स्क्वायर, तो 6 कितना हो जाएगा 7, 7 × 6 = कितना होता है 42। सो 42 × 25। आसान है ना? तो इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी नंबर का जिसका एंड 5 से हो रहा हो उसका स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं 105 स्क्वायर, तो 10 × 11 कितना होता है 110 एंड 5 × 5 = 25, तो 110 × 25। 15 स्क्वायर, सो 11 × 12 कितना होता है 132, तो लास्ट में 25। कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है, 2 सेकंड? अगर इस तरीके का 3 अंक वाला है तो 2 सेकंड लग रहा है, 1 अंक वाला है तो डायरेक्ट 1 सेकंड में बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।